200 यात्री ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी। साथ ही लॉकडाउन के बाद पहली बार रायपुर के 3 यात्री ट्रेन जो है वो चलेंगी। इसमें हावड़ा मुंबई अहमदाबाद गोंदिया रायगढ़ के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होता है। इन यात्रियों को प्रवेश के लिए 2 नंबर गेट का ही उपयोग करना होगा। यात्रियों को अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना आवश्यक है और बिना मास्क के यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आज से पूरे देश में 200 ट्रेनें दौड़ेंगी और साथ ही राजधानी रायपुर में भी 3 ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी। आज हम रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफी तगड़ी है। यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं जो हर एक व्यवस्थाओं का जो है जायजा ले रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। यात्रियों को केवल गेट नंबर 2 से ही प्रवेश की अनुमति दी गई है और यदि यात्री यहाँ पर आते हैं तो उन्हें 90 मिनट पहले आना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों के लिए बकाया कुर्सियों का भी इंतजाम है वो किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की जो असुविधा है वो ना हो। और साथ ही यात्रियों को सैनिटाइजर और मास्क रखना अनिवार्य होगा। साथ ही यहाँ पर आने वाले हर यात्रियों के पास में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।